स्वागत है गाइस सी शार्प की सेकंड वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग सी शार्प पढ़ने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे डाउनलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अपना इस ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पर लिखना है विजुअल स्टूडियो सिर्फ लिखना है, क्योंकि हम लोग जो भी सी शार्प का कोड करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड में करेंगे। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यार, जो सी शार्प होती है वो डेवलपमेंट के लिए होती है, वो API या फिर गेम डेवलपमेंट, तो VS कोड में करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हो नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि हम लोग विजुअल स्टूडियो में बहुत अच्छा से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आना आप मीट विजुअल स्टूडियो फैमिली और यहाँ पे आकर कम्युनिटी वर्जन पर क्लिक करना। ठीक है, अब ये आपको एक डाउनलोड करके देगा विजुअल स्टूडियो सेटअप, आपको इसको इंस्टॉल करना है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यस करता हूँ। आपको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है और ये थोड़ा सा डाउनलोड लेगा, जितना भी आपका डाउनलोड। और हाँ, मेक श्योर करना कि आपकी नेट कनेक्टेड हो, तभी ये काम करेगा। अगर कनेक्ट नहीं है तो फिर यार मैं क्या ही बोलूँ आपको। चलो अभी इसको होने देते हैं, जब तक हो गया देखो, एक मेरा पहले से इंस्टॉल करके रखा है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हो जा रहा है। आपका मैं हो सके थोड़ा टाइम ज़्यादा ले, तो आपको देखना है जितना टाइम ले उसको देना है आराम से। और इंस्टॉल होने का हम लोग भी वेट करते हैं इसका। ओके, तो देखो मेरा में पहले से इंस्टॉल था, तो यहाँ पे बोल रहा है अपडेट, तो मैं कर लेता हूँ अपडेट और देखते हैं क्या क्या अपडेट्स आया हुआ है। तो जैसे ही अपडेट हो जाएगा तब आपसे मिलता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेने वाला है, मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे देखो 700 MB डाउनलोड करके लेगा, तो अगर ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद मैं मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मेरा अपडेटिंग कंप्लीट हो चुका है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा ये इंस्टॉल ले रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल भी होने देते हैं, फिर मैं मिलता हूँ। तो यार हमारा जो अपडेटिंग हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर आएगा, अब जो भी आए मेरा मॉडिफाई आ रहा है आपका शायद इंस्टॉल करने का आएगा, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करना। मैं मॉडिफाई पर क्लिक करता हूँ, जो भी आपका है। ठीक है, अगर मॉडिफाई ही आ रहा है तो मॉडिफाई पर क्लिक कर देना, मुझे उतना याद नहीं है कि क्या था शुरू में। उसके बाद आपको टिक करना है इस पर आपको टिक करना है डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट पे, इस पर टिक कर लेना। ठीक है, और किसी पर टिक नहीं करना, और फिर यहाँ पे इंस्टॉल कर देना। ठीक है, मेरा सारा काम कंप्लीट है, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा सारा चीज़ें कंप्लीटेड है। और जैसे ही आपका वो चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगा, तब आपकी जो यहाँ पे है ऐप वाली फाइल में एक विजुअल स्टूडियो आ जाएगी, और फिर विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेना। जैसा कि मैं ओपन कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही ओपन कर लेना है। अब मैं दिखाता हूँ कि विजुअल स्टूडियो आपको दिखता कैसा है और हम लोग उसमें कैसे कैसे काम कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा होगा कि सी शार्प भी डाउनलोड करने की चीज़ें हैं, तो आपको सी शार्प डाउनलोड करने की कोई बात नहीं है। आपको जैसे ही आपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लिया, यानी कि मान लो कि सी शार्प आपका डाउनलोड हो गया, अगर आपका इस तरह से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ भी और भी आ रहा है तो मैं भी बता दूँ। ऐसा आ रहा है तो हम लोग करेंगे कंटिन्यू विदाउट कोड। अब जैसे कंटिन्यू विदाउट कोड पर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो खुल गया विजुअल स्टूडियो, लेकिन इसमें कोई कोड नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा इंटरफेस समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यानी कि यहाँ पे जितने ही फाइल्स होंगे वो दिखाई देगा, और नीचे हमारा टर्मिनल्स है। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट पर क्लिक करोगे तो ये टर्मिनल आ गया, और फिर से क्लिक करोगे तो हट जाएगा। यहाँ पे कुछ पिन करने वाली है, अगर इस पर क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगी, और फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ है, यानी कि ये ऑटो हाइड हो जाएगा। अगर इस पर करूँगा तो वो उधर छुप गया, अब अगर इस पर करेंगे और इधर क्लिक करेंगे तो फिर से वो छुप जाएगा। ठीक है, अभी नहीं, जब कहीं पर क्लिक करूँगा, जैसे देखो यहाँ पर क्लिक किया तो वो छुप गया। अगर आप चाहते हो कि वो नहीं छुपे, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ कर देना, तब ये पिन हो जाएगा, ये अब नहीं छुपेगा उधर। ठीक है, वो चीज़ हम लोग समझिए। यहाँ पे फाइल पे आके न्यू पे जाके न्यू प्रोजेक्ट ऐसा बना सकते हो, वो सब हम आगे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही है इंटरफेस।
और जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे वैसे वैसे इंटरफेस भी देखते जाएंगे। तो बस गाइस यही था हमारा विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन का पार्ट टू, और सॉरी पार्ट टू है जो कोर्स का है। अब आगे हम लोग मिलेंगे, हम लोग देखेंगे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करने वाले हैं। चलो ठीक है, बाय बाय।